नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ या अशुभ में। राधे राधे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। दोस्तों, दुनिया को जीरो देने वाले हम थे, मतलब अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो नंबर सिस्टम जो भी है वो देने वाले इंडियन थे। पर आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो 90% लोग जो होते हैं वो वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं। हालांकि वैदिक न्यूमरोलॉजी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आपकी 90% प्रॉब्लम्स या प्रिडिक्शन करने में सक्सेसफुल होती है, पर लोगों को जानकारी का अभाव है, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। आज के वीडियो में बात करेंगे कि वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर कौन से ग्रिड आते हैं, कौन से प्लेन्स बनते हैं, उन प्लेन्स का क्या इफेक्ट आपकी लाइफ पे पड़ रहा है। आप जानते होंगे कि जैसे कि आपका लोशु ग्रिड होती है, लोशु ग्रिड में नंबर 4 यहां पे आता है, नंबर 5 यहां पर आता है, नंबर 6 यहां पे आता है, और किसी का अगर 4, 5, 6 आ रहा है तो हम कहते हैं कि उसका गोल्डन राजयोग बन रहा है। पर वैदिक ग्रिड ऐसा नहीं कहती। लोशु ग्रिड में मिसिंग नंबर के कुछ इफेक्ट होते हैं। जहां तक वैदिक ग्रिड की बात है, वहां पर अगर आपका कोई नंबर मिसिंग भी आ जाता है तो कई बार वो चीज आपके लिए फायदे का सौदा बन जाती है। एक एग्जांपल दे देता हूं छोटा सा आपको, कि अगर आपकी वैदिक ग्रिड में नंबर 1 आ रहा है और नंबर 2 आ रहा है, और साथ में ये दो नंबर, नंबर 3 और नंबर 6, ये मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं ये आपका राजयोग दिखाता है। पर ये सब बाद में, सबसे पहले ये जानेंगे कि आपको आपकी वैदिक ग्रिड के नंबर निकालने कैसे हैं, उनको फिल कैसे करना है, और उसके बाद कौन कौन से प्लेन्स बनते हैं। ध्यान रखिएगा, वैदिक ग्रिड के नंबर निकालने और लोशु ग्रिड के नंबर निकालने बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल ही अलग होते हैं। और अगर आप इस वीडियो में बने रहते हैं तो अश्योर करता हूँ कि बहुत ही आसानी से आप ये चीज़ सीख जाएंगे। मान लीजिए जिस आदमी के हम वैदिक ग्रिड के नंबर निकालना चाहते हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ है 29 दिसंबर 2008, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम लोशु ग्रिड के केस में करते थे, क्या करते थे कि डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर लिख देते थे। यहां पर हम ऐसा नहीं करेंगे। इस व्यक्ति की डेट है 29, हमने लिख दिया 29। मंथ है 12, हमने लिख दिया 12। पर जब बात आती है ईयर की, जो इस केस में 2008, तो हम सेंचुरी का नंबर नहीं लेते, मतलब ये नंबर पहला 20 नहीं आएगा, केवल हम लेंगे 08, या और जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो मतलब आएगा केवल 8, तो नंबर बन जाएंगे 29128। देखिए यही नंबर मैंने लिखे हैं, 29128। एक बार फिर से बता देता हूं, डेट के नंबर लिखेंगे 29 इसकी है, मंथ के नंबर लिखेंगे 12, और ईयर में हम सेंचुरी का नंबर हटा देंगे। यहां पर सेंचुरी का नंबर है 20, तो हम केवल लिखेंगे 08। कोई आदमी अगर 1997 को पैदा हुआ है तो मैं ये पहले 19 नहीं लिखूंगा, केवल बाद के 297 ही लिखूंगा। सबसे पहले लोशु ग्रिड, अपना वैदिक ग्रिड को भरते हुए इस चीज का ध्यान आपको रखना है। तो चलिए फटाफट से ये नंबर भर देते हैं। नंबर 2 की जगह, नंबर 9 की जगह, 1, 2 और 8, ठीक है। ये नंबर मैंने भर दिया और यही नंबर मैं नीचे भी ले आया हूं। अब इसके बाद हम वहां पर क्या निकालते हैं, मूलांक, और यहां पर उसको हम कहते हैं बेसिक नंबर, आपका बेसिक नंबर। अब ये भी थोड़ा सा वैदिक ग्रिड के केस में थोड़ा सा अलग होता है। अगर आपका जन्म 1 से लेकर 9 तारीख के बीच में हुआ है, ठीक है, तो आपका बेसिक नंबर सीधे सीधे वही होगा, 1 तारीख को पैदा हुआ 1, 2 तारीख को पैदा हुआ 2। मगर आप उस नंबर को इस ग्रिड में नहीं भरेंगे। अगर आप 1 से लेकर 9 तारीख के बीच में पैदा हुए हैं तो आपका जो भी बेसिक नंबर आएगा वो इस ग्रिड में नहीं आएगा। पहली चीज, 1 और 9 के अलावा अगर आप 10th को,
20th को या 30th को, इन तीन में से भी किसी एक दिन पैदा हुए हो, तो भी जो आपका बेसिक नंबर है, कैसे निकालेंगे, सिंगल डिजिट में चेंज करके 1+0=1, वो भी मैं इस ग्रिड में नहीं भरूंगा। तो इस केस में ये व्यक्ति पैदा होता 29 को, 1 से लेकर 9 डेट नहीं आ रही है, 10, 20, 30 नहीं आ रहा है, तो सिंगल डिजिट में चेंज कर देते हैं, 2+9=11, 1+1=2, और बेसिक नंबर आ गया क्या, नंबर 2। इस नंबर को भी फटाफट से ग्रिड में भर देते हैं, ये आया नंबर 2 और ये नंबर मैंने नीचे भी ले लिया। तीसरा नंबर होता है आपका भाग्यांक, डेस्टिनी नंबर। अब इसको वैसे ही निकालते हैं सेम जैसे हम लोशु ग्रिड के केस में निकालते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबरों को ऐड कर दो, यहां पर हम सेंचुरी को भी काउंट करेंगे। अगर मैं इन सब नंबरों को ऐड कर दूं तो मेरे को मिलेगा 24, डबल डिजिट है, सिंगल डिजिट में चेंज करना पड़ेगा, 2+4=6, और मेरा भाग्यांक आ गया क्या, नंबर 6, और 6 को मैं नीचे भी ले आया। अब ये बन गई है आपकी क्या, वैदिक ग्रेड, ये आपके वैदिक ग्रेड के नंबर आए। तो यहां पर कौन से नंबर नहीं आते, एक तो सेंचुरी के नंबर नहीं आते, और दूसरा बेसिक नंबर में अगर आप 1 से लेकर 9 तारीख को 10, 20 या 30, 10, 20 या 30 या फिर 1 to 9 इन दिनों पैदा हुए हैं, तो भी आपके नंबर इसमें वैदिक ग्रिड में नहीं भरे जाएंगे। अब आते हैं प्लेन्स के ऊपर। ये एक वैदिक ग्रिड, स्टैंडर्ड वैदिक ग्रिड लेफ्ट में बनी हुई है, प्लेन्स को इसी में डिस्कस करते हैं। वैदिक ग्रिड में भी जैसे लोशु ग्रिड होता है वैसे ही 8 प्लेन्स होते हैं जो आपको अलग अलग चीजें देते हैं। कौन से 8 प्लेन होते हैं, 3 होंगे आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन, 3 होंगे आपके वर्टिकल प्लेन, और 2 आएंगे आपके क्रॉस में। ठीक है, अब एक एक करके इन प्लेन्स को देखते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन पकड़ते हैं जो है आपका क्या, 3, 1 और 9। 3 गुरु का, 1 सूर्य का और 9 मंगल का। अब अगर आपकी ग्रिड में 3, 1, 9 आ रहा है तो इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल एंड सोशल सक्सेस प्लेन। इंटेलेक्चुअल एंड सोशल सक्सेस प्लेन ये आपको देता क्या है, ये वाला प्लेन अगर आपकी ग्रिड में 3, 1, 9 कंप्लीट आ रहा है तो ये प्लेन आपको देगा, सबसे पहले देगा आपको फेम, प्रसिद्धि देगा, उसके बाद आपको देगा बहुत ही अच्छा पैसा, वेल्थ, मनी, और उसके बाद आपको कुछ हद तक ये लेके जाएगा स्पिरिचुअलिटी की ओर, भगवान की ओर। ठीक है, तो अगर आपका प्लेन बन रहा है 3, 1, 9 तो समझ जाइएगा कि फेम, सक्सेस और स्पिरिचुअलिटी, प्रसिद्धि, आपकी सक्सेस और भगवान का अच्छा रास्ता आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अगर यहां तक वीडियो समझ आ गया हो तो शायद एक लाइक बनता है, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और हर एक को जैसे बोलता हूं कि कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें, आपके लिए ही अच्छा है। अब इसके बाद आते हैं दूसरे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो है 6, 7, 5, 5, 6, 7, कुछ भी आप कह सकते हो। ये होता है आपका बिजनेस सक्सेस प्लेन। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि अगर ये प्लेन आपके पास आ रहा है तो ध्यान रखिएगा कि बिजनेस में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने के चांस हैं। ठीक है, अगर बिजनेस करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आप क्या रहेंगे, उसमें क्रिएटिव दिमाग आपका बहुत ज़्यादा चलेगा और बहुत ही अच्छी स्किल के साथ आप बिजनेस करेंगे। आपका जो मनी मैनेजमेंट होगा, पैसे को कैसे रखते हैं, जिसके पास भी ये प्लेन, ये वाला प्लेन बन जाता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एक और ज़रूरी बात कि अगर आपके पास 5, 6, 7 आता है तो लगभग 100% आपका लव मैरिज योग ये बनता है। ठीक है, ये आया आपका दूसरा प्लेन। अब आते हैं तीसरे प्लेन पे जो है आपका 2, 8, 4। इस प्लेन को कहते हैं हार्ड वर्क एंड सक्सेस।
मतलब कठिन परिश्रम करो और सफलता लो, ये वो प्लेन है। अगर आपके ग्रिड में 248 284 ये बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि सक्सेस तो मिलेगी, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और जिन लोगों की ग्रिड में भी ये 248 आते हैं, उनके लिए एक हल्की सी चेतावनी कि इन लोगों के एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा कुछ जो क्रोनिक डिसीजेज होती हैं, क्रोनिक बीमारियां जो होती हैं, वो भी इनको लगी रहती हैं। किनको? 284 वाले लोगों को। हॉरिजॉन्टल प्लेन तीनों हो गए, 1 2 3। अब आते हैं किस पे, वर्टिकल प्लेन पे, एक एक करके। सबसे पहले हमारा कौन सा प्लेन आता है वर्टिकल प्लेन? 3 6 एंड 2। तो ये 3 6 एंड 2 क्या है? ये है आपका प्लानिंग और साथ में एजुकेशन। प्लानिंग और एजुकेशन देने वाला जो आपका प्लेन है वो है 3 6 एंड 2। ध्यान रखिएगा, जिसके भी ग्रिड में ये प्लेन बन जाए, उसका जो एजुकेशन योग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है। बहुत अच्छे टीचर ये लोग बन सकते हैं, किसी को भी सिखाने पढ़ाने में ये लोग बहुत अच्छे रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ही अच्छे मैनिपुलेटर होते हैं। मैनिपुलेटर क्या हुआ कि अपने हिसाब से चीज़ों को करवा देना किसी से। कोई आदमी आपकी बात नहीं मान रहा है, आपने उसको इधर से घुमाया उधर से घुमाया और आखिरी में अपनी बात मनवा के मानी, मतलब आपकी मैनिपुलेशन पावर बहुत अच्छी है। और ये चीज़ जो होती है 3 6 2 वालों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अगला जो प्लेन आता है वो आता है 1 7 एंड 8। ये क्या है? आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का है और साथ में सोशलिस्ट प्लेन है। इसका मतलब क्या हुआ? पहली चीज कि आप थोड़े से स्पिरिचुअल रहेंगे, भगवान की और आपकी जो भक्ति है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, थोड़े से आप सोशलिस्ट टाइप के रहोगे, मतलब जो भी चीज़ें हैं सब में मिल बांट के खानी है, अपने पास नहीं रखना सब कुछ। अगर एक ही रोटी है आपके पास तो वो भी ऐसा नहीं कि मैं अकेले खा लूँ, मुझे भूख लग रही है, मैं उसको मिल बांट के खाऊंगा। और ऐसे लोगों के साथ किस्मत एक बहुत अच्छा काम करती है कि इन लोगों को जिनके पास क्या आया हुआ है 1 7 एंड 8, उनको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ मनी देती है, पैसे के बहुत ज़्यादा सोर्स देगी आपको। मतलब ऐसा नहीं कि केवल नौकरी कर रहे हैं उसी से पैसा आ रहा, साथ में कुछ बिजनेस भी कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हैं और आपके पास पैसा बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका 1 7 8 है तो ध्यान रखिएगा कि जो सिक्स सेंस होता है किसी भी चीज़ को पहले से भांपने की क्षमता, वो इन लोगों की बहुत अच्छी होती है। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिसका कोई प्लेन बन रहा है और जो मैं बता रहा हूँ वो बात उस पर लागू हो रही है तो कृपया कमेंट में राधे राधे के साथ ये बात भी बता दें कि जो मैं बता रहा हूँ आपको, क्या वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब उसके बाद जो लास्ट वर्टिकल प्लेन आता है आपका, वो आता है 9 5 एंड 4। ये कौन सा प्लेन है? ये प्लेन कहता है क्विक एक्शन, फटाफट से एक्शन लो और डिसीजन दे दो अपना। एक्शन भी ले लिया फटाक से और निर्णय भी दे दिया, ये बताता है आपको 9 5 एंड 4। ये लोग बहुत अच्छे अचीवर होते हैं, जो चीज हासिल करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी अपना डिसीजन बन लेते हैं, बहुत जल्द अच्छे क्विक डिसीजन मेकर होते हैं। और इनको पता है कि जो ये हार्ड वर्क कर रहे हैं उससे सक्सेस कैसे पानी है, उसको रियलिटी में कैसे चेंज करना है, अपने ड्रीम्स को हार्ड वर्क से अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जिनके पास आ रहा है नंबर 9 5 एंड 4। इसके बाद एक इनके लिए इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखें 9 5 4 वाले, कि जो प्रॉपर्टी है आपके घर की, इसमें डिस्प्यूट यानी कि झगड़ा होने की संभावना बहुत ज्यादा है। किसके साथ?
आपके भाई के साथ। किनके पास? जिनका आ रहा है 9, 5 एंड 4। अब इसके बाद आता है 3, 7 एंड 4, जिसको हम कुछ लोग काल सर्प योग भी कहते हैं। काल सर्प योग इन वैदिक न्यूमरोलॉजी, ठीक है। अगर आपके पास 3, 7, 4 ये आ रहा है तो आपकी जो सक्सेस रेट है किसी भी काम को करने की, सफलता की जो रेट है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। और कभी भी पैसे के साथ, कैश फ्लो के साथ आपको दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छी सक्सेस रेट और कैश फ्लो के साथ कोई दिक्कत ना होना, ये चीज़ करवाता है 3, 7 एंड 4। और इसके बाद जो योग आता है वो आता है 9, 7 एंड 2, जो अगला प्लेन आया, इसको हम कहते हैं CORAGE, करेज योग, ठीक है, साहस वाला योग। तो जिनके पास 9, 7, 2 आया उनके अंदर बहुत अच्छा करेज, साहस होता है। इन लोगों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। मतलब कुछ भी काम करने का जो कॉन्फिडेंस है इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इन लोगों को आप सही मायने में रियल हीरो कह सकते हैं। लाइफ के रियल हीरो जो हैं वो नंबर 9, 7 और 2 वाले हैं। अब ये तो हो गए 8 के 8 प्लेन्स की कहानी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसके बाद अगर आप और वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे पता चलेगा केवल आपके लाइक से, कमेंट्स से, ठीक है, और सब्सक्राइबर से। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में क्या लिखना है? राधे राधे लिखना है। हमेशा मैं बोलता रहता हूँ, अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।